श्री दत्तात्रेय महाराज जी का महीना मार्गशीर्ष चल रहा है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बात है कि हमारे पांच अवतार मालूम है हमें, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि पांच अवतार हैं। कोई कहता है कृष्ण भगवान की तरफ मेरा मन है, कोई कहता है चक्रधर स्वामी की तरफ मेरा मन है, तो बड़ी दुविधा हो जाती है। कभी कोई महात्मा आते हैं वो कुछ बोल जाते हैं, कभी कोई महात्मा आते हैं वो कुछ बोल जाते हैं। महाराष्ट्र से आएंगे बोलते हैं चक्रधर स्वामी है, गोविंद प्रभु महाराज है। कोई आएंगे उत्तर भारत या इधर वाले बोलते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति हमें करनी है, ये दत्तात्रेय महाराज कहाँ से आ गए मालूम ही नहीं है। तो ये सबके पीछे एक साइंस है, लॉजिक है, जो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये जो पांच अवतारों का सिस्टम है ना, ये हमारे को बड़ा कंफ्यूज करता है, सब जय कृष्ण को खासकर, उत्तर भारतवाल को खासकर। कारण क्या, हमारे मंदिर में पहले हवा जाए श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर मूर्ति लगी है श्री कृष्ण भगवान की, बोलते हम जय श्री कृष्ण है, ऐसा ही है ना। अब वो नीचे भी शेष पड़े हुए हैं, ये तो सारे महाराष्ट्र से आए हुए हैं, गोंद्रो महाराज चक्र स्वामी के, मुझे भी होती थी, सबको होती है, पर बाद में धीरे धीरे बात समझ आ जाती है। अब उसमें मार्ग शीर्ष चलते हैं गीता से, क्योंकि उत्तर भारत वाले कृष्ण भगवान के बोल देते हैं बेसिकली, तो हमारे धर्म को जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण धर्म का आधार है। हम गीता में देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महीनों में तो सबसे उत्तम महीना कौन सा है, तो वो चल रहा है। अब मैंने परसों मैसेज किया था कि मार्गशीर्ष महीना उत्तर भारत में शुरू हुआ 28 नवंबर को और दत्त जयंती यानी पूर्णिमा वाले दिन समाप्त हो जाएगा। दक्षिण भारत में ये शुरू हुआ है 13 तारीख को और 11 जनवरी तक चलेगा। हम उत्तर भारत में रहते हैं ना, हम उत्तर भारत के हिसाब से चल रहे हैं। सही बात है, अब तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उस दिन मैसेज किया था 28 नवंबर वाले दिन जिस दिन पूर्णिमा थी कि आज पूर्णिमा शुरू हो रहा है महीना, जिन्होंने शुरू करना है उत्तर भारत वाले शुरू कर रहे हैं, जिस देश में रहना है उसी के सिस्टम से चल रहा है। एक ये बात होगी मार्गशीर्ष महीने की। अब इस महीने में दो मुख्य बातें हैं, एक तो श्री दत्तात्रेय महाराज का अवतार दिवस, दूसरा है गीता। श्री कृष्ण महाराज ने गीता का जो ज्ञान दिया वो इस महीने में दिया, एकादशी वाले दिन यानी श्री दत्तात्रेय महाराज का अवतार दिन से 3 दिन पहले गीता जयंती आएगी। दो बातें मेन हो गई इस महीने की। महाभारत का युद्ध भी मार्गशीर्ष महीने में शुरू हुआ तो गीता भी हुई, तो उत्तम महीना हो गया। दो बातें समझ आ गई आपको कि क्या डिफरेंस है, हमने क्या समझा, सबसे अच्छा महीना कौन सा है। उसमें दो काम हुए, एक गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने और एक दत्तात्रेय महाराज का अवतार दिन हुआ। उत्तर भारत में पूर्णिमा वाले दिन शुरू होता है और दक्षिण भारत में अमावस के बाद शुरू होता है, अमावस के अगले दिन। हम उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर भारत के हिसाब से चलना है, राइट। अब देखते हैं आगे, अब अवतार बहुत है, पांच है हमारे, हमारे को पांच मालूम है। अब दत्तात्रेय महाराज का अवतार कैसा है, हमने एक एक अवतार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले आज दत्तात्रेय महाराज का सिर्फ, दत्तात्रेय महाराज जो है वो अवतारों के अवतार है। क्या है, सब अवतार उनको मानते हैं, जैसे कहते हैं ना देवों के देव कौन है, महादेव। सीधे देखते नहीं बच्चे, बोल नहीं सकते ना, लेकिन अब देवताओं और जो देवता है वो किसको मानते हैं, महान देव, महादेव उनका नाम रख दिया। ठीक है, उनका नाम है हर, उनका एक्चुअल नेम हर है, और उनको देवों के देव
उनका नाम रख दिया महादेव, सबसे बड़े देव, जैसे महावाक्य शब्द है, ठीक है। अब अवतारों के अवतार कौन है? श्री दत्तात्रेय अवतार। हमने क्या समझना है? अवतारों के अवतार श्री दत्तात्रेय अवतार। ये बात याद रख लो, लाइन आप पांच अवतार हमें मालूम है और बहुत से अवतार ऐसे हैं जो हमें मालूम नहीं है। उन सबके बॉस कौन है? कौन है? श्री दत्तात्रेय महाराज। क्लियर होगी कहानी। और दत्तात्रेय महाराज का अवतार कब हुआ? कौन से युग में हुआ? त्रेता युग में हुआ, ठीक है। कितने साल तक वो रहे धरती पे? अभी तक है। कब तक रहेंगे? जब तक ये सृष्टि रहेगी। और कृष्ण भगवान जी का कितने साल रहे? हजार साल, 1125 साल। अब कहा चले गए? चले गए ना, आपका बाण मारा तो शरीर छोड़ दिया। अब चक्रमणि महाराज ने शरीर छोड़ा तो चक्रमणि को उनको जला कर दिया, तो वो चक्रधर स्वामी बन गए। गोविंदपुरम महाराज को वहां पे उन्होंने निक्षेप कर दिया। पांच अवतार से चार, तीन अवतार बॉडी छोड़ गए। दत्तात्रेय महाराज कब बॉडी छोड़ेंगे? जब तक सृष्टि चलती रहेगी। तो उनको कितने साल हो गए? मोटे मोटे उनको 800,000 साल से ऊपर हो चुके हैं। अगर हम ये माने कि त्रेता के आखिर में हुए, जैसे कृष्ण भगवान आखिर में हुए द्वापर में, कहते हैं कि किस त्रेता युग में हुआ कुछ पता नहीं। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। हाँ जी, हाँ जी। अगर इस त्रेता में हुए तो इस त्रेता के आखिर में हुए, मिनिमम बात चलते हैं, मैक्सिमम मैं नहीं मानू। कम से कम 800,000-5,000 साल तो हो चुके हैं। पर एक बात उसमें और है कि वो उस समय उम्र होती थी 10,000 साल। तो कहने का मतलब है मोटा मोटा 8,00,000 साल से ऊपर साल। हमें कन्फर्म है कि 8,00,000 साल हो चुके हैं। अब 8 के कितने हो गए हमें मालूम नहीं है, मिनिमम 8,00,000 साल हो गए। डन हो गया जी। अब ये अवतार का जन्म कहाँ हुआ? बद्रिकाश्रम बोध भूमि में था। वहां से वो कहां गए? सह्याद्री पर्वत, ठीक है। वहां से वो कहां चले गए? सह्याद्री पर्वत पे। अब हम सह्याद्री पर्वत पे जाते हैं, वहां दत्तात्रेय महाराज क्या करते हैं? निद्रा करते हैं। कितने बजे आते हैं शाम को? बस सूर्य ढलने के पहले, सुबह 4 बजे आरती के बाद जाते हैं वहां से। 10 घंटे रुकते हैं कम से कम वहां पे। तो भगवान को पकड़ना कहाँ जाओगे फिर आप? 10 घंटे वो बैठे होंगे बाहर, काट देंगे बस, पीछे पड़ जाना उनके। और कोई अवतार है? चक्रधर स्वामी चले गए हिमालय में, उधर उत्तराखंड, कहाँ पे? उत्तर पथ, अफगानिस्तान, हिमालय, श्रीनगर, कहाँ भी चले गए। बस एक ही अवतार हमारे पास है जिनका हमें एड्रेस मालूम है, सह्याद्री श्री दत्तात्रेय प्रभु। कहा ना, कहा रसन का? सह्याद्री श्री दत्तात्रेय प्रभु। आज मैंने आपको उनका एड्रेस बता दिया है। मैं तो वहां जाता हूँ और उनको पकड़ लेता हूँ। पकड़ना मतलब उनके सामने पेश हो जाता हूँ, भैया मेरी ये समस्या, मुझे ये करो, कैसे करना, आपने वो करना है। वहां सुख साक्षात श्री दत्तात्रेय महाराज सोने आते हैं, फूलों की से बिस्ती अंदर जाने नहीं देते वो। सुबह 4 बजे सेवा नहीं करने देते वो। हो क्या है बच्चे, हम गए थे वहां, मतलब आरती होती है ना, तो हाँ यहाँ सब बाल खड़े हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तार के साथ तार जुड़ती है। हाँ, वहां का जो ऑरा है ना वो जबरदस्त हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। ईश्वर अवतार है ना, अवतारों के अवतार आए हैं। अब आपने वहां स्थान किए होंगे, वहां पे एक स्थान है जहां पर चक्रमणि महाराज जी को उन्होंने शेर के वेश में ज्ञान दिया। वो सीढ़ियां चढ़ के आए, छोटा सा मंदिर ऊपर जाके,
श्री चक्रवाणी महाराज को ज्ञान दिया। श्री चक्रवाणी महाराज जी 6 महीने रुके वहां पे, तो जो साथ वाला होता है ना वो श्री चक्रवाणी महाराज का है। 6 महीने रुके बस। नीचे जो तालाब है वहां मंदिर बन रहा है भोजनता का, वहां पर वो श्री चक्रवाणी महाराज गांव से भिक्षा करते थे, उस तालाब के किनारे बैठकर भोजन करते थे और अपने गुरु जी को श्री दत्तात्रेय महाराज को जोरी दिखाते थे और उनको भोजन खिलाते थे कि मेरा भी भोजन गुरु जी स्वीकार। रहने के बाद वो वहां से निकले और चले गए द्वारका, वो नदी समुद्र के किनारे चक्रमणि महाराज वहां रहने लग पड़े। ठीक है, ये बात हो गई। अब चक्रमणि महाराज जी का जो जन्म स्थान है फलटन में, मैं आपको 2 लीलाएं वो बताऊंगा जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं है। आज लीला चित्र उसका वर्णन है, 2 लीलाएं ऐसी जो आपको मालूम नहीं है। पहली है फलटन का जो पानी वाला स्थान है, पान देखने जो विशेष निकलता जहां चंद्रामक लेके आते हो, गए कभी फलटन? जहां पे नीचे सीढ़ियां में जाकर जाते ना, गए कभी? सुना है पान देखने। अरे वो आज का स्थान नहीं है, वो कब का स्थान है? श्री दत्तात्रेय महाराज के समय का स्थान है, द्वापर त्रेता युग का स्थान है वो। श्री दत्तात्रेय महाराज गए वहां बाण मारा, वहां से नदी निकली जिसका नाम है बाण गंगा, वो जो कुआं से है ना, उसकी हिस्ट्री सारी अगर ध्यान से देखो ना आप, तो धीरे धीरे डेवलप कैसा हुआ वो आपको समझ आएगा। मैंने उसकी बड़ी कोशिश की स्टडी करने की, उसका नाम है बाण गंगा। जैसे सर्व तीर्थ है वहां बाण मारा तो पानी आ गया, ऐसे ही वहां बाण मारा तो वहां से नदी निकली, ऐसे पानी निकला। उस समय बहुत साल पहले श्री दत्तात्रेय महाराज ने वहां चरण स्पर्श किए जैसे सर्व तीर्थ में सह्याद्री पर्वत पे किया है। इसी दिन कोई नहीं बताएगा आपको कि दत्तात्रेय महाराज फलटन में भी है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण भगवान आए वहां पर, जब वो अभिमन्यु की शादी के लिए गए पुत्रा के साथ नीचे, तो वहां रुके थे वो। वहां श्री कृष्ण भगवान ने अपने अपने हाथ धोए उस पानी के अंदर। फिर बाद में वो राजा आया, राजा का कोढ़ दूर हुआ, उसने वो बावड़ी बनवा दी, धीरे धीरे उसने मंदिर बनवा दिया। सिंगल देश का राजा था कोई, उसको कोढ़ हो गया, तो अब होता क्या है कि जब बीमारी होती है तो गुरु जी के पास जाते हैं सारे। गुरु जी बीमारी आ गई, उपाय बताओ। वो सिंगल राजा के गुरु जी थे, वो कहते हैं राजा तू उस तालाब में चले जा, वो सर्व तीर्थ है, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। राजा गया उस सर्व तीर्थ से, उसका कोढ़ दूर हो गया। तो राजा ने कहा मेरा कोढ़ दूर हो गया, इस जगह को मैं मंदिर बना दूंगा। उसने परकोट बना के उस जो एरिया था सर्व तीर्थ का उसको रोक दिया। वहां पे है बाण गंगे चाकिली श्री हरी, उस बाण गंगा ऐसे बनी। गुरु जी ने कहा, शिष्य ने मान लिया राजा था, देखो तो आपकी यहाँ मनोकामना पूरी होती तो आपको चढ़ाते हो ना मंदिर को, तो राजा ने तो मंदिर बनवा दिया वहां पर बहुत बड़ा। तो उसके बाद श्री कृष्ण वहां पे श्री कृष्ण धीरे धीरे क्या हुआ, कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। श्री चक्रमणि महाराज के जो फादर्स थे, फोर फादर्स, वो द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के पूजा करते, जैसे मथुरा से लोगों को बुलाते हैं, दिल्ली में पंजाब में क्या करते हैं सनातन धर्म वाले पुजारी बुलाते हैं, ये तुम्हारे यहाँ मंदिर होंगे। तो ऐसे ही द्वारका से उनके फोर फादर्स आए पूजा करने के उस मंदिर में, ब्राह्मण लोग थे। श्री चक्रमणि महाराज ईश्वर के अवतार है, किसी को मालूम नहीं था दरबार को, वो हमें श्री चक्रधर महाराज अवतार इसके मालूम है। तो श्री चक्रमणि महाराज उस मंदिर में रहे, बाहर का जो होता है ऐसे वाला है,
वहां बैठ के वो वेद पढ़ाते थे। तो ऐसा एक स्थान ये वाला है जहां तीन अवतार श्री कृष्ण महाराज, दत्तात्रेय महाराज और चक्रमणि महाराज का संबंध है। उसी चक्रमणि महाराज को कौन देव रहे वहां पर, ये होगा चक्रमणि महाराज और दत्तात्रेय महाराज की एक लीला। एक और लीला है चक्रधर स्वामी के साथ, उसका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन हमारे पूर्व लीला चित्र में आया ये, बड़े लोग कहते हैं लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब श्री चक्रधर स्वामी मेहकर से बैठन आए, ठीक है ना, आए तो वो बाइया बोने बाइया साथ थी, तो बोने बाई को महाराज ने कहा आप आगे जाओ। कहते हैं वहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज आए और श्री चक्रधर स्वामी जी को कहा कि आप आज से इस पैठन नगरी से एक कार्य शुरू कीजिए। हम पिछली बार आपको कह गए थे कि आप शुरू खुद ही करो ना, तुम गीता शुरू कर रहे थे, मैंने तुझे बोला ना भाई तू खुद ही शुरू कर दे काम, किसी का इंतजाम मत कर, महात्मा आएगा और करेगा नहीं, जितना हमसे होता है उतना शुरू करो, बोल के कह रहा। ऐसे ही दत्तात्रेय महाराज ने चक्रधर स्वामी को बोला कि आप कलयुग में आए हो तो आप एक काम करो कि आपने ना सिर्फ एक ही काम करना है कि कलयुग में जो जीव है ना इनको पकड़ना है और इनके मोक्ष का उद्धार का काम आपने करना है, वन टू वन एक एक बंदे को पकड़ना है। अगर वो एलिजिबल है, कमजोर है, उसको मालूम नहीं है तो आपने ठीक करना है। पढ़े लिखे बच्चों को सारे टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाते कि नहीं, जो बच्चा कमजोर हो उसको कोई टीचर जल्दी पढ़ाता नहीं है, नहीं पढ़ाता ना, स्पेशल टीचर उसके लिए स्पेशल ट्यूशन लगानी पड़ती है। पढ़े लिखे अच्छे होशियार होते तो स्कूल में पढ़ लेते, उन्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं है। ऐसे जमाना आ गया ना आजकल, हमने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, पढ़ी आप लोगों ने ट्यूशन कभी नहीं, नहीं पढ़ी किसी ने, और आज का बच्चे का लेवल इतना कि ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है। ऐसे ही चक्रधर स्वामी जी ने दत्तात्रेय महाराज का पहले जमाने में ना जो जीव थे पुरुषार्थ वाले थे, हिम्मत वाले थे, वो खुद कोशिश करते थे, पर आजकल ना बड़े कमजोर जीव है, दिल डक्का है पंजाबी भाषा में, दिल ने ढक्कन, अब उनको बार बार कहना पड़ेगा मंदिर आ जाओ, 5 बज गए हैं, आनिया 4 बजे का बोला 5 बजे आ रहे हैं, सब ढीले ढक्कन है, जहां मर्जी चले जाओ, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, जहां मर्जी चले जाओ ढीले ढक्कन है सारे के सारे। तो ऐसे लोगों के लिए दत्तात्रेय महाराज का ये कलयुग में आने वाले जीव ढीले ढक्कन है ना, इनको ठीक किसने करना है, आप इसका ठेका देता हूं मैं आपको, आपने ढीले ढक्कनों को पकड़ना है और उनको टाइट करना है, प्यार से करना है, जोर से नहीं करना, लेकिन फिर भाग जाएंगे, मंदिर आना छोड़ देंगे। तो महाराज चक्र स्वामी को ये सब बातें दत्तात्रेय महाराज ने बोली कि इनको आज के कलयुग के जीवों को आपने बड़े प्यार से धीरे धीरे समझा बुझाकर उनको अपनी भक्ति में लगाना है। तो महाराज कहते ठीक है। वहां पर श्री चक्रधर महाराज ने लंबे बाल निकाले अपने, दत्तात्रेय महाराज ने उनको आज्ञा दी। कहते हैं और भी अवतार थे, लीला चित्र में लिखा हुआ दत्तात्रेय महाराज आए, पर किस जगह पर आए ये मालूम नहीं है, स्थान ही मालूम है निश्चित, भोगावती कहते हैं। तो भोगावती कहाँ है ये भी कंफ्यूजन है हमारे पास। तो वो भोगावती नाम की जगह पे आए दत्तात्रेय महाराज और श्री चक्रधर स्वामी को बीड़ा दिया कि आपने ढीले ढकड़ों को दंडा, इसका वचन है अयोग्या ते योग्य करीति, तो मैं वचन नहीं बोल रहा, मैं पंजाबी भाषा में बोल रहा हूँ ढीले ढक्कन, तो हमारे जयक्ष सब ढीले ढक्कन ही है, बाकी मंदिरों में ऐसा नहीं है। राधा स्वामी सुबह 7 बजे पहुंचे होते हैं वहां पे और 10 बजे घर चले जाते हैं,
मैं बड़ी बार जाता हूँ सुबह, तू 7 बजे अपने डेरों में जो बाहर अपने पंजाब के इधर उधर पहुंचे होते हैं कि नहीं पहुंचे होते, व्हाइट बेल्ट कपड़े डाल के सेवादार करने वाले इधर होते हैं, सड़कों पे खड़े होते हैं, और हमारे मस्त 10 बजे जावांगे, 12 बजे अस्सा मिनट 11:30 पहुंचेंगे असी। बात तो यही है, सच्चाई बोल रहा हूँ, हमें भी पता है भैया ये ढीले टक्कर में कुछ बोलना नहीं है। अब दत्तात्रेय महाराज, दत्तात्रेय महाराज चक्र स्वामी को ये बात बोली है कि आपने इनके पीछे लग जाना है, बस कैसे भी करके इनको लाइन पे लाना है, कैसे भी करके, और इनको सन्यास दिलाना है। कैसे भी कहने का मतलब ज्ञान देकर प्यार से, जब महाराष्ट्र ले चलता हूं टिक्कियां खुआ के समोसे खुआ के, हाँ हाँ फ्री की टिकटें दे दो चल घूम चलिए, ये करना पड़ेगा तभी आएंगे। जाड़ीता पुसीता महाराज ने बोला हुआ, जी जाड़ी पुसले जाती त्रसले जाती त्रसले तरी जाती, तो इनको बड़े प्यार से हैंडल करके कुछ खिलाफ ला के चल को तो कोई नहीं आ चलिए घूमे ये तो मैं थोड़े पैर करता है मुफ्त सारी दौड़ देने, चल मंदिर चलते हैं बर्फी मिलेगी लड्डू मिलेगा, जैक्सिंग में तो बड़े मजा लग गया, फल भी मिलते लड्डू भी मिलते रोटियां भी मिल गया, ये इसलिए ऐसा धर्म है क्योंकि दत्ता से दत्तात्रेय महाराज चक्र स्वामी को ये बात बोली हुई है। तो हम आज जो कर रहे हैं हमारी फिक्र किसने की, हमारे बारे में किसने सोचा, किसने बोला, दत्तात्रेय महाराज को फिक्र है हमारी कि इन इनका जो बेचारे ये ढीले टक्कर पैदा हो गया इनका क्या करूं मैं, तो उन्होंने श्री चक्रवर्ती महाराज को आज्ञा दी, भाई बोला कि आप ये काम करो, क्यों बोला, क्योंकि अवतारों के अवतार मैं, इसलिए बात समझ आ गई दत्तात्रेय महाराज अवतारों के अवतार क्यों है। अब गोविंदपुर महाराज की बात करते हैं, एक अवतार गोविंद प्रभु महाराज, कृष्ण पुराण हो गए, चक्रपाणि महाराज हो गए, चक्रधर स्वामी हो गए, गोविंद प्रभु महाराज आत्म तीर्थ नाम है पंचालेश्वर में, श्री गोविंद प्रभु महाराज ने वहां पर संन्यास लिया था आत्म तीर्थ से 5 किलोमीटर पीछे, फिर संन्यास लेकर आत्म तीर्थ मथा टेक में आए थे पंचालेश्वर, पता है पंचालेश्वर मालूम है आपको, पंचालेश्वर में दत्तात्रेय महाराज आते हैं मालूम है आपको, क्या करते हैं, कितने बजे आते हैं, 12 बजे रात के सुबह के दोपहर के सुबह के दोपहर के, आप गए हो वहां पे रोटी खिलाई होंगे, आप कहते हो भोजन करते हो रोटी खिलाई नहीं, भोजन कराया नहीं होंगे, भोजन करवाना था ना वहां पे, यहाँ 12 बजे आरती होती है, 12 बज गए भोग लगाओ मेरा भोजन वाला थाल जी, मध्यान काल जाला श्री दत्त दिगंबर आला जी, मध्यान काल जाला मध्यान मतलब 12 बजे, और यहाँ भी दिखाओगे ना अपने घर में तो दत्तात्रेय महाराज वहां भी स्वीकार कर लेंगे, पंचालीस में कितने थाल पड़े होते हैं, वह खाली होते ही था रोटी तो खाते थे दत्तात्रेय महाराज, सब जो रहने वाले व्यवस्था करने वाले हैं वो थाल तुम ले जाते इधर उधर, आप हो गई वो वहां रोटी नहीं खाई, तो यहाँ पर भी अगर आप दिखाओगे ना अपने घर में दिखाओ मंदिर में दिखाओ तो दत्तात्रेय महाराज आपका भोजन स्वीकार करेंगे, भाव होना चाहिए, तभी कहते हैं 12 बजे को करवाना है मंदिर से, कहते कि नहीं कहते। अब बात हो रही कि गोविंद प्रभु महाराज ने सिर मुनाने के बाद जब निकले अपने गुरु के साथ अन्य राठी के गुरु के साथ, तो पंचदेवली मंदिर है वहां पर उन्होंने शौर की 3-4 किलोमीटर साष्टी पिंपल गांव में नदी के किनारे आत्म तीर्थ पे आए, दत्तात्रेय महाराज को स्थान पे माथा टेका, फिर वो द्वारका गए चक्रपाणि महाराज के पास ज्ञान शक्ति लेने के, दत्तात्रेय महाराज भी उन्हें ज्ञान शक्ति दे सकते थे,
कुछ दत्तात्रेय महाराज अदृश्य रूप में थे, पर चक्रपाणि महाराज को शेर के रूप में दिया, इनको भी दे सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, आप श्री चक्रपाणि महाराज के पास जाइए। वो गए, श्री चक्रपाणि महाराज ने उनको ज्ञान शक्ति दी। इसके पीछे भी रीजन होगा, लॉजिक होगा, हमें नहीं मालूम ईश्वर तारा आपस में क्या बातें करते हैं, कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि तो बाद में उनको चक्रधर स्वामी बनना होगा, ये रीजन भी हो सकता है। मालूम चक्र स्वामी कैसे अवतार हुआ मालूम है आपको, बड़ो हो चुके हैं, डेथ हुई उनकी, तो वो बाद में हुए, वो सीक्वेंस बनाना हो कोई हमें तो मालूम नहीं है, क्योंकि तो उनकी बातें हम नहीं जान सकते। तो श्री दत्तात्रेय महाराज चार अवतार के साथ रहे, मालूम चल गया श्री कृष्ण महाराज के साथ कहा रहे, फलकल में पानी आया तो आए, वहां पे उनका संबंध है, डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, डायरेक्ट संबंध भी हुआ हो सकता है, दोनों तार मिले होंगे इसमें भी कोई शक नहीं है मुझे, पर हमें कहीं पे लीला में आया नहीं, वरना नहीं आया श्री कृष्ण भगवान का कभी मिलाप हुआ होगा, और हुआ जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता दोनों अवतार बैठे हैं और बात ना करें कभी मिले ना, ठीक है ना, हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं आया, या श्री चक्रधर महाराज से ने सात लीलाएं बताई सिर्फ दत्तात्रेय महाराज, दत्तात्रेय महाराज की वो भी पूछी किसी ने तो बताई, और इसके बारे में कोई पूछता तो श्री चक्रधर महाराज जरूर बताते, तो आपको मिलेंगे तो आपको पूछना होगा, आप पूछ लेना, चक्र स्वामी मिलेंगे तो पूछ लेना भाई कृष्ण महाराज मिले थे नहीं मिले थे। तो जहां तक मुझे लग रहा है अगर अवतारों के अवतार हैं तो जरूर मिले होंगे, उसी चक्कर में महाराज पूछने पर ही बताते थे अक्सर, माता ऐसा प्रश्न पूछती थी, क्योंकि पूछने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, पूछने वाले के जिज्ञासा भी होता है, तो इससे ये प्रूव होता है कि अवतारों के अवतार दत्तात्रेय अवतार, ठीक है जी। अब दत्तात्रेय महाराज की और बातें बताते हैं, चलो सात लीलाएं तो आपको सुना देंगे, आपकी चरित्र चल ही रहा है कहीं भी सुन लोगे। एक बात जो लीला में नहीं आई वो यदुराजा को ज्ञान देने की है, सात लीलाओं में नहीं है वो, छोटा सा दो तीन लाइन है ना, क्या वो बस राजा यदु जो है ना बड़े महान तपस्वी राजा थे, और वो किसी के आगे वो कहते थे भगवान के सिवा किसी को मस्तक नहीं झुकाऊंगा, तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उनको दर्शन दिए और उनको ज्ञान विद्या ज्ञान दिया, उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी और फिर उनको दंड दिया। राजा था वो रुकेगा क्यों किसी के आगे, उसका स्थान किया यदुराजा ज्ञान पेटी अंदर जाकर बंदे में, हाँ जी हाँ जी ठीक है, संन्यास ले लिया सर, फिर उन्होंने सब छोड़ के संन्यास ले लिया। अगर वो हम आपको ज्ञान दे दे आप संन्यास ले लोगे? अब उन्होंने राजा ने पूछा कि मेरे पास सब कुछ है पर मुझे शांति नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई पीने का पानी का लोटा है झोली है, और आपके पास इतना आनंद है, मुझे उसका कारण बताइए। तो श्री दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुण बताए, क्या बताए 24 गुण, 24 गुरु नहीं बताए, क्या बताया 24 गुण, अपना तो 24 गुरु व्याख्यान चल रहे हैं, कौन बोलता है 24 गुरु व्याख्यान, आख्यान मतलब उन्होंने 24 गुरु बताए, किसने बोला 24 गुरु बताए, आपने काम बताया ये अपने गलत है वो, ये मतलब 24 गुरु का मतलब है 24 गुण उन्होंने, ये गलत कह रहे हैं, मैं तुझे बताता हूँ कहानी सारी है, पृथ्वी से ये गुण उससे ये गुण लेना चाहिए, मतलब हाँ ये ऐसा नहीं है परमेश्वर, मैं बताता हूँ गलत है ये गलत कह रहा कहानी क्यों है गलत है ये, मैं वीडियो इसलिए बनवा रहा हूँ सबको पता चल रहा है आज, एक्चुअल में श्री दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुण बताए कि क्षमा होनी चाहिए पहली बात, उसको समझाने के लिए उन्होंने दृष्टांत दिया, वही तो उस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया, यानी 24 बातें समझाने के लिए दृष्टांत दिया, इसका प्रमाण क्या है अर्थी दृष्टांत दीजिए, चक्रधर स्वामी कहते हैं अर्थ को समझाने के लिए दृष्टांत देना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए,
उदाहरण होना चाहिए तो बात जल्दी समझ में आती है। यही बात है। उन्होंने 24 बातें बताई हैं, 24 गुण है, वो 24 गुण अगर आपके अंदर है तो समझो आप धरती से सबसे सुखी व्यक्ति हो, सबसे बढ़िया आनंदित व्यक्ति हो। 24 गुण आपके अंदर है तो 24 गुण धारण करो। 24 गुरु नहीं बोलना, इसके बाद 24 गुण बोलना है। गुरु कैसे बना मैं आपको वो भी बताता हूं, गुरु कैसे आ गया। 24 गुण है, 24 गुण हमने अपने अंदर लाने हैं। अब उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया, जैसे मक्खी का दृष्टांत, सांप का दृष्टांत, अजगर का दृष्टांत, पृथ्वी का दृष्टांत, अकेली लड़की का दृष्टांत, बालिका का दृष्टांत, कबूतर का दृष्टांत। तो ये 24 बातें हमारे आचरण की है कि जिंदगी में इन 24 गुण को पकड़ लो। राजन, ये राजा को बता रहे थे, राजा ने 24 बातें अपने पल्ले बांध ली, ये 24 काम मैंने करने हैं, अपनाने हैं। उसको अपनाते ही उसका जीवन परिवर्तित हो गया, उसको शांति मिल गई, परम शांति मिल गई। आज हम सारे परेशान हैं, किसको टेंशन नहीं है, महात्मा ही प्राप्त देता सब कुछ है। पर क्या हो गया, पर शांति नहीं है कि साढ़े घर कुछ ना कुछ प्राप्त देता सब कुछ है साढ़े को खाने पीने का, पर शांति नहीं है कि नहीं प्रॉब्लम। वो 24 चीजें जिंदगी में उतार लोगे आपको परम शांति मिलेगी। क्या मिलेगा, परम शांति मिलेगी। वो तो मिलेगी मिलेगी, साथ में ईश्वर की प्राप्ति भी होगी। सिंपल सी बात है, राधा मिलना भी मुश्किल नहीं है। 24 गल्ला 24 गुण आपके अंदर होने चाहिए। ये सिद्धि भाषा में, सरल भाषा में श्री दत्तात्रेय महाराज ने ज्ञान बताया हुआ आचरण, ठीक है जी। तो ये दत्तात्रेय महाराज ने रजू दादा बताया, वो आप लोग अब एक एक करके बताना। हाँ जी, वो उत्तम गीता में है। हाँ, अब मैं बताता हूँ उसकी कहानी। वो हमारे पास रिटर्न में नहीं आए हैं, क्योंकि राजा यदु कब का, और ये रजू राजा था ना, यदु राजा से यदु कुल शुरू हुआ, यादव वंश, जिसमें श्री कृष्ण भगवान आए। हे राजन, ये ज्ञान मैंने यदु राजा को बताया। कौन बोल रहा है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना। तो ये दत्तात्रेय महाराज ही थे जिसको यदु राजा को बताया जी। हाँ जी, गीता में शुरू कहते ना अर्जुन को, अर्जुन ये ज्ञान मैंने यदु राजा को बताया। विश्वास जो भी विश्वास, जो तीन चार राजाओं के बाद ये लुप्त हो गया। तो मैंने बताया, बोले मेरा मैं ही दत्तात्रेय महाराज का अवतार था, ये प्रूफ हो गया। मनु, इश्वाकु, जो भी थे तीन चार राजा के नाम आए जी। इससे क्या प्रूफ होता है कि श्री दत्तात्रेय महाराज ही श्री कृष्ण महाराज ही श्री दत्तात्रेय महाराज है। अवतार सेम ही होते हैं जी। लिंक लग गया हमारा, देखो बैठे बैठे यदु राजा से लग गया। ये यदु राजा का ही कुल आ गए, यादव जी ने कहते हैं। त्रेता युग था, फिर आ गया द्वापर का आखिरी, उसमें ज्ञान का जीव का लेवल बदल गया, अर्जुन का लेवल बदल गया, उसको ज्ञान थोड़ा उसके लेवल के हिसाब से बताया। फिर 2500 साल तक वो गीता का ज्ञान चला, उसके बाद फिर क्या हो गया, बुद्धिज्म आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, यहूदी आ गए, उनका क्या गाइजा था पुराना। उसके आने के बाद सब खत्म हो गया, जैनिज्म आ गया,
फिर दोबारा से श्री चक्रधर स्वामी महाराज, अब ये हम आसपास की लड़ाई चल रही है ना, तो मैंने उसका इतिहास पढ़ा, 2500 साल पहले ये शुरू हुआ था यरूशलम में, तब तक 2500 साल एक ही ज्ञान चलता था, उन लोगों ने प्रचार करते करते इंडिया में आ गए। तब हमारे क्षेत्र में आता है कि जैन लोगों की और ये वैदिक धर्म खत्म होने वाला था, तो शंकराचार्य ने तपस्या की, वैदिक धर्म की स्थापना की, उस दत्तात्रेय महाराज ने वरदान दिया शंकराचार्य, वो भी शंकराचार्य ठीक है। अब उसके बाद श्री चक्रधर स्वामी को आना पड़ा आज से 800 साल पहले कि भैया हमारा ईश्वर धर्म लुप्त हो गया, ईश्वर का ज्ञान लुप्त हो गया। खुले रूप से पैठन में शुरू किया प्रतिष्ठान में, अभी वो नई नया पार्लियामेंट बना ना, उसमें प्रतिष्ठान का नाम है, मैंने फोटो करके भेजी थी ना जी, इतना फेमस नगरी थी जैसे ये हरिद्वार ना, और वो जिसका ये किया बनारस है तुम्हारा वाराणसी, वैसे ही प्रतिष्ठान नगरी थी उस समय जो गोदावरी के नदे, उन्होंने वहां पर चक्रधर स्वामी को बोला कि आप यहाँ पर ओपनली ज्ञान शुरू करो, इसलिए हमारे पांचवें नाम अवतार का नाम है प्रतिष्ठानी श्री, उनका नाम से पहले क्या लगता है प्रतिष्ठान के श्री चक्रधर स्वामी, क्लियर होगी बात। अब आगे यहां से वो ज्ञान की परंपरा मैंने आपको पूरी बता दी है, तो उन्होंने जो ज्ञान बताया चक्रधर स्वामी ने वो सूत्र पाठ में आपके सामने है, बहुत आसान तरीके से बताई वही बातें, वो 24 बातें वो 24 गुण बड़े आसान तरीके से बताए। हाँ, मैं अपने गुरु की बात करता हूं, पहले हम ज्ञान परंपरा कर लेते हैं, वही ज्ञान, लेकिन हमारा लेवल, हम कौन है ढील ढक्कन, हम कौन है सारे बांधे और ढील ढक्कन, तो ढील ढक्कन के लिए आप पहचानने में गलती थोड़ी करोगे हमें। अब ढीले डॉक्टरों को समझाने के लिए चक्र स्वामी ने ओपन बैठ गए, बोलो जिसने जो पूछना है, बोलो जिसने जो बोलना है, उन्होंने खुद कुछ नहीं बताया, बताया नागाचार्य जी को, 9 प्रकरण बताया, बताया उन्होंने जाने से पहले 7 दिन 7 रात, वो 9 प्रकरण बताए थे बस, वो चैप्टर एज इट इज है, बाकी के जो सूत्र है वो उठाए गए इधर उधर से इकट्ठे किए गए हैं। महाराज कहते पूछो भक्तानियों पूछो, पर आचार्य जी को उन्होंने धर्म स्थापित करना था तो 9 प्रकरण बनाया उन्होंने, इसलिए 9 प्रकरण का पाठ करना चाहिए, मैं पहले बता के गया आप लोगों को, ठीक है जी। बाकी जो आचार आचार मालिका विचार आचार मालिका वो इधर उधर से 2-2, 3-3 सूत्र एक एक लेके क्वेश्चन के आंसर बनाए, ये हो गया हमारी ज्ञान परंपरा किसकी, ईश्वर धर्म की। हमारे लिए क्या है, अगर आप ढीले ढक्कन नहीं हो तो गीता पढ़ो, ढीले ढक्कन हो सूत्र पाठ पढ़ो, उससे भी सुपीरियर हो तो 24 गुण पढ़ लो। मैंने 16-17 साल की उम्र में 24 गुण पढ़ लिए थे, 24 गुरु मान लो, चलो मुझे नहीं पता था गुरु तुम क्या होते हैं, पर 24 बातें मैंने सुन ली थी, मेरे को उसी टाइम समझ आ गई थी कि भाई लंबे लंबे वो श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग वीडियो डालते हैं बच्चे को सारे श्लोक याद है, मुझे समझ आ गई है श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 24 बातें दिमाग में बांध दो, हमने बांध ली, इसलिए दत्तात्रेय महाराज करते हैं 24 बातें मैं 24 दिन में आपको समझा दूंगा, एक दिन एक बात, या 24 मान लो 10 मिनट या आधा घंटा भी लगाओ तो 1 घंटा लगा तो 24 घंटे में तुम्हें समझ आ जाएगा, चलो 1 घंटा भी लगा लो रोज का तो 24 घंटे में तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी कि जिंदगी में करना क्या है, यानी एक दिन में 1 घंटा एक बात पे अगर लगाए हम तो 24 घंटे में 24 बातें समझ आ जाएंगी ना, तो ज्ञान हो गया हमें। सिंपल सी बात है, 24 गुण अपने अंदर लाने हैं, धीरे धीरे लाओ, एक दिन में नहीं आने वाले, 24 साल भी लग सकते हैं,
24 महीने भी लग सकते हैं, 24 जन्म भी लग सकते हैं, 24 दिन भी लग सकते हैं, वो अपने ऊपर है। 24 साल ही लगेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मिलने टक्कर है ना। क्या कह रहे हैं? संगत में दिख रहा है भाई, हम रियल हैं। मैं कलयुग के जीवों की बात कर रहा हूँ, आप लेट आए हो ना, अभी लेट आए ना, पूरी बात नहीं सुनी इन्होंने। आप मैं क्लास में लेट आए हो प्रवचन में, ये कह रहा हूँ जो शुरू से बैठे हमें पूरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल गैर सही बोल रहा ना मैं, मैं पूरा लिंक बता के आप लेट आए हो। तो वो कहाँ चले गए अभी? अभी आगे अब मैं आपको बताता हूँ 24 गुरु कैसे आए। ये ज्ञान लुप्त हो गया तो उद्धव गीता जो है, उद्धव देव जी ने पूछा कि महाराज आप मुझे ज्ञान बताओ। तो उन्होंने बताया कि मैंने उस समय अवधूत के वेश में ये चीजें बताई थी। एक अवधूत वाली गीता, एक है उद्धव गीता। तो उद्धव देव जी ने पूछा कि आप कहते हो कि मुझे आपने पहले यदु राजा को ज्ञान दिया था, उसकी स्टोरी बताओ। तब उन्होंने बोला अवधूत के वेश में मैंने, यानी ईश्वर अवतार ने, ये 24 बातें बताई। तो उस वहां से फिर हमारे पास आया है ये, कोई दत्तात्रेय ने बताया हजारों साल पहले, और कृष्ण को आकर ये लुप्त हो गया, फिर हमें कैसे मालूम 24 गुरु। कृष्ण महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण महाराज गीता में, कि मैंने यदु राजा को बताया, यदु राजा भूल गए, यदु राजा चले गए, जब चले गए लिखा किसने? किसी ने भी नहीं। अब श्री कृष्ण महाराज जब उद्धव देव जी ने पूछा तो उन्होंने दोबारा से ये ज्ञान बताया। वैसे ही श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं वहीं पर आएगा तो मैं गीता सुनाऊंगा दोबारा उसको। याद है बेलापुर में? जी जी। इससे ये प्रूव हो जाता है कि अवतार पुराना ज्ञान बताते हैं। अभी देखो क्लियर हो गया ना, अगर महिमट जी आ जाते तो कृष्ण महाराज की गीता हमें समझ आ जाती, पर महिमट जी आए नहीं और हमें गीता का सही अर्थ पता नहीं। पर उद्धव के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज ने 24 गुण बताए कि उस समय मैं अवधूत था, अवधूत के वेश में था, अवधूत यदु राजा को मैंने बताया, वो हमारे पास उद्धव गीता से हमारे पास पहुंच गया। अब ये भागवत और गीता लिखी किसने? वैदिक लोगों ने, व्यास ऋषि, कृष्ण द्वापायन ऋषि ने रिटन रिटन किया। अब वो ईश्वर धर्म के नहीं है, वो जयकृष्ण नहीं थे, ईश्वर धर्म के नहीं थे, वो कौन से धर्म के थे? वैदिक। उनमें गुरु की परंपरा बड़ी स्ट्रांग है। वो कहते हैं ज्ञान किससे होता है? जिससे ज्ञान हो वो गुरु है। ज्ञान किससे होता है? जिससे ज्ञान हो वो आपका गुरु है। वो कहते हैं दत्तात्रेय महाराज अवधूत ने मक्खी से ज्ञान लिया उल्टा करके वहां पर, पिंगला से ज्ञान लिया, अजगर से ज्ञान लिया, पृथ्वी से ज्ञान लिया, वायु से ज्ञान लिया। नहीं, महाराज ने दृष्टांत दिए, गुण समझाने का दृष्टांत दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में पढ़ते हो ना मैडम, आखिर में कहती है ना फॉर एग्जाम्पल आती है ना, तो दत्तात्रेय महाराज ने फॉर एग्जाम्पल दिया। श्री चक्रधर महाराज कहते हैं दृष्टांत दीजिए, प्रूफ हो गया। ये बात है। अब उनकी परंपरा में गुरु की परंपरा, अब अन्य धर्मों में जाकर गुरु चल रही है ना, बस हमारे यहाँ पे निमित्त होता है देवराटी में, गुरु नहीं होते, अधिकरण निमित्त होता है, गुरु नहीं होता। गुरु कौन है बताने वाला ज्ञान? श्री चक्रधर स्वामी जी।
तेरा, मेरे जैसे कोई भी जीव नहीं दे सकता, क्योंकि बोलते तू ही कीला, अक्षरदाता जी बोलता था परमेश्वर, तो ज्ञान दे रहा कौन दे रहा, साधन दाता, ज्ञान साधन दाता कौन है, हमारे गुरु कौन हुए, तो जितने भी हम सब एक जीव हैं जिनको आप गुरु कहते हो, ये आपको ज्ञान देते हैं। अब चक्कर स्वामी सामने तो आएंगे नहीं, हमारे को निमित्त बना के खड़ा किया गया, इनको बताओ आप, इस दृष्टि से हम आपके गुरु हुए, ज्ञान गुरु, विद्या गुरु, निमित्त बोलो जो मर्जी बोलो, वो आपके शब्द थोड़े इधर उधर है तो हाई लेवल की बातें हैं, वो अभी आप गुरु मानो, फिर आपके गुरु जी हो गए। अब आपको जिसने नाम बताया आप कहते हो मेरे गुरु जी वो है, बिल्कुल सही है, नाम गुरु का अभिमान होना चाहिए, और उसके अलावा एक ज्ञान गुरु भी होते हैं, आपके दो गुरु भी हो सकते हैं, एक नाम वाले गुरु, एक ज्ञान वाले गुरु, दीक्षा गुरु भी होते थे, पिछली बार बताया था, जो संन्यास देते हैं अनुसार, तो तीन गुरु हो सकते हैं, ठीक है जी, जरूरी नहीं एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति आपका तीनों गुरु हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं, बंद कर दो बड़ा सवाल को, बात समझ आई, महाराज ने कहा था तो गुरु पर चक्कर स्वामी से बातें पूछेगी, गुरु के बारे में 8-10 सूत्र हैं जो चक्कर स्वामी से पूछे गए, बाजी गुरु मनावे, गुरु रनु गंतव्य, अधिकतव्य गुरु करु ये, गुरु अनुशंसित करतावे, ऐसी बड़ी सी बातें हैं। तो ये अन्य धर्मों में जब लोग आते हैं तो वहां गुरु की परंपरा बड़ी स्ट्रांग है, हमारे इधर भी है, पर हमारे थोड़ा सा फर्क है, पर जो वेदवंत होते हैं, साधारण होते हैं, नाम ग्रस्थी होते हैं, तो वो गुरु धारण करते हैं, करना चाहिए, सिस्टम तो वही है ज्ञान गुरु वाला, पर श्री दत्तात्रेय महाराज ने गुण बताए, उसको हमने क्या कर दिया, 24 गुरु, आज तक हमने क्या बोला, 24 गुण, 24 गुण आख्यान, ठीक है जी, गुरु शब्द यहां से आया, समझ आ गई, इस कौन की मैंने किताब पढ़ी, उसमें भी आया था, इंग्लिश की किताब देख रहा था बहुत साल पहले, उसमें भी मैंने कहा ये तो हमारे दत्तात्रेय महाराज के हैं, ये कैसे कह रहे हैं हमारे हैं, वो बाद में वो देखा, मैंने पूछा कि मम्मी कहाँ पे, वो कह रही उद्धव गीता में, मैंने अर्जुन गीता थी उद्धव गीता कहाँ से आ गई, तो कहने का गुरु ने उद्धव गीता छापी नहीं थी, बाद में गुरु ने छापी वो जो महाराष्ट्र में काव्य था, तो बाद में समझ आई कि ये कृष्ण महाराज ने दोबारा से इस चीज को यदा ज्ञान के धर्म की स्थापना के लिए मैं आया। इस प्रकार से हमारे ये तीन अवतार, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री कृष्ण महाराज और चक्र स्वामी ज्ञान देने वाले अवतार है, चक्रपाणि महाराज, श्री चक्रपाणि महाराज, श्री गोंदर महाराज ने कोई भी ज्ञान नहीं दिया, सवाए दोगरे को, एक जोगरे को श्री चक्रपाणि महाराज ने ज्ञान दिया, दैट्स इट, उसका कोई वर्णन नहीं आया, जो भी उसको समझ आएगा उसने नाम हो सी अपना जो भी किया, दैट्स इट, ये हमारा धर्म है ज्ञान युक्त, ज्ञान परंपरा। अब आपको गीता से ज्ञान लेना है तो गीता से ले लो, सूत्र पाठ से लेना है सूत्र पाठ से ले लो, 24 गुण धारण करने 24 गुण धारण कर लो, इच्छा आपकी है, और कुछ ऐसा नहीं हो, हम वीडियो बना के समझा देंगे, हम ऐसा जैसे एक दिन में 2-3 दे दिए, ऐसा नहीं होता, मतलब कह रहा हूँ 24 घंटे, एक दिन नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि आप कुछ दिन रह जाओगे, मेरा कहने का मतलब वो काम करने का मत बोला करो, हाँ बात उसे महाराज ने कहा कि रहना नहीं है, वाजी की तरह घूमना रहता है, महाराज ने बोला हुआ है। चलो अभी टाइम कितना हो गया, 6:30 बज गए, 6 चल कोई बात कर ले, पौने 6 महाराज जय।